Assalamu alaikum everyone, how are you all? I'm also fine. Okay, तो आज कौन आने वाला है हमारे पास? बे की फैमिली तो कंप्लीट हो गई है, अब हमारे पास मोटे पेट वाली फैमिली आएगी. उसमें से एक सबसे बड़ा भाई है इनका जो सबसे पहले आएगा. क्या नाम है इसका? जीम. जीम एक रोटी खाता था इसलिए इसके पेट में एक नुक्ता आ गया. अब आप लोगों ने भी याद रखना है कि जीम के पेट में एक नुक्ता क्यों है, क्योंकि उसने एक रोटी खाई थी. जीम के पेट में एक नुक्ता. चले भाई जीम, आप हमें अपनी स्टोरी सुनाए. एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त जमाल, हम दोनों ने जंगल जाने का प्लान बनाया. हमने जल्दी जल्दी अपनी जुराबें पहनी और जूते पहने और फिर हम जल्दी से बाहर आ गए. बाहर हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई थी. अरे जीम, ये गाड़ी नहीं होती, जीप होती है. ओहो जमाल सॉरी, हाँ ये हमारी जीप खड़ी हुई थी. हम दोनों जीप में बैठ गए और जंगल की तरफ रवा दवा हो गए. हम दोनों को जंगल में जाना बहुत अच्छा लगता था. जैसे ही हम जंगल पहुँचे, वहाँ तो बहुत सारे जानवर थे और उनकी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थीं. जैसे ही हमने जंगल में जानवरों की आवाज़ें सुनी, हम वहाँ से फौरन भागने लगे और जीप तो वहीं खड़ी हुई थी. और जैसे ही हमने ऊपर देखा तो वहाँ मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे. जमाल मुझे डर लग रहा है. अरे कोई बात नहीं जीप, हम अभी बाहर निकल जाएंगे, वो देखो ऊपर क्या आ रहा है. जब देखा तो वहाँ एक बड़ा सा जहाज़ आ रहा था. हम फौरन जहाज़ के साथ साथ चलने लगे कि क्या पता हमें अपना रास्ता मिल जाए. लेकिन हम तो और दूर निकल आए. अब यहाँ तो मुझे सर्दी लगने लगी और मैंने अपनी जैकेट पहन ली. और जैसे ही मैंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला तो एक मज़े की चीज़ निकली और मैंने जेब में से जामुन निकाले. जब हमने जामुन निकाले तो हम दोनों ने मिलके उसे खा लिया. जमाल को भी बहुत भूख लग रही थी और मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो हम दोनों ने जामुन खा लिए. अभी हम रास्ता सोच रहे थे कि हमने ऊपर देखा एक जुगनू आ रहा था. जुगनू जिसे बहुत रोशनी देता है. जमाल ने कहा चलो जीम, जुगनू से पूछते हैं वो हमें घर छोड़ दे. और जुगनू फौरन तैयार हो गया कि आओ जीम और जमाल, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाता हूँ. तो ये थी मेरी स्टोरी. अब आप लोग देखें कि मेरे कौन कौन से दोस्त हैं. जीम से जमाल, जीम से जीम, ज ज ज ज ज ज जी. तो ये मेरे दोस्त हैं जीम से जैकेट, जीम से जहाज, जीम से जीप, जीम से जामन.